लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमने राजमहल में और उसके आसपास चारों ओर ढूंढा, किंतु राजकुमार प्रह्लाद कहीं नहीं मिले। यही समाचार देने आए हो हमें? दुखद समाचार सुनाने से पहले हमारी जय जयकार करते हो? क्यों, किस लिए? जिससे हम तुम्हारी जयकार सुनकर प्रसन्न हो जाए और फिर तुम्हारी असफलता का समाचार सुनकर अप्रसन्न हो जाए। दैत्यराज, हमने दूर दूर प्रह्लाद की खोज में अपने विशेष सैनिक भेजे हैं। वे माता और पुत्र दोनों को अवश्य ही खोज निकालेंगे। हमें खोजने के लिए अब कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिताश्री, पुत्र मोह के कारण माता मुझे दूर ले गई थी, किंतु अब मैं श्री हरि विष्णु के विश्वास के कारण लौट आया हूँ। आपको मेरे कारण प्रतीक्षा और खोज करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। दुष्ट बालक, इतनी छोटी सी आयु में तू ज्ञानियों की भाषा बोलता है, हमसे क्षमा मांगने का नाटक करता है। उससे हमें आश्चर्य कम और क्रोध अधिक आता है। ये सब हुआ कैसे? इतनी छोटी सी आयु में तेरी जीवा इतनी लंबी कैसे हो गई? जो कुछ होता है उम्र की कृपा से ही होता है पिताश्री। फिर आया तेरी वाणी में तेरे प्रभु का नाम। अरे दुष्ट, फुल कलंक, जिस हिरण्यकश्यप के नाम से तीनों लोग कांपते हैं, उसके सामने खड़ा होकर तू हमारे शत्रु विष्णु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे कर लेता है? सब उमरी की कृपा है पिताश्री। पितृद्रोही, हमारी उपस्थिति में बार बार तू हमारे शत्रु का नाम लेकर हमारे क्रोध की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा है। हमारी अवहेलना कर तू हमारे शत्रु का गुणगान किसके बल और साहस पर कर रहा है दुष्ट? श्री हरि विष्णु के बल और विश्वास पर। और मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ और कर भी नहीं सकता। मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आपसे पिता का स्नेह प्राप्त हो अथवा ना हो, मुझसे आपको पुत्र का आदर और सम्मान प्राप्त अवश्य होगा और सदा होता रहेगा। और पिताश्री, मैं सम्मान और आदर सहित आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यह धारणा है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और तीनों लोग आपके भय से कांपते हैं, आप इस धारणा और भ्रम से मुक्त हो जाएं। इसी में सारी दैत्य जाति का हित होगा। इस जगत में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ केवल श्रीहरि विष्णु हैं। छोटे बड़े सभी चराचर जीव उन्हीं के अधीन हैं। प्रह्लाद, तू अपनी इस वाचालता का परिणाम जानता है? पिताश्री, परिणाम बुरा होता है, बुरी वाणी, विचार और कर्म का। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं कहा है। सत्य को कहने से रोकना अवश्य बुराई होती है, परम सत्ता की श्रेष्ठता को न स्वीकार करना भी बुराई होती है। जगत की रीति तो ये कहती है कि पिता को अपने पुत्र को बुरा करने से रोकना चाहिए, किंतु कभी कभी स्थितियां बदलती भी है पिताश्री। इसीलिए मैं ये कहने पर बाध्य हूँ कि आप अपना आसुरी भाव त्याग कर सत्य को स्वीकार करें। और सत्य ये है कि श्रीहरि विष्णु की इच्छा के बिना न आप बोल सकते हैं और न मैं सुन सकता हूँ, और न मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। इसीलिए इस सत्य को मान लेने में कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए कि श्रीहरि विष्णु ही परम परमेश्वर, सृष्टि के नियंता और पालक हैं। ओम हरि। ओम हरि। चित्कार दुर्बल मन का परिचय देती है पिताश्री। यदि आप ये अनुभव करें कि परमेश्वर जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी हैं, उनका विरोध करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर चित्कार करके
आपको क्या लाभ होगा? मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है कि आप अभिमान त्याग कर उन्हें जगत का स्वामी स्वीकार करें पिताश्री। तो क्या तेरा विष्णु जगत के कण कण में समाया हुआ है? हाँ पिताश्री। तो वो मुझसे भयभीत क्यों है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? उनको देखने से पूर्व उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उनका बनना पड़ता है, और फिर उन्हें बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं। तो बुलाओ उसे, आने दे उसे दौड़ते हुए, मैं भी तो देखूं कि उसका रूप कैसा है, कितनी शक्ति है उसमें, विश्वास है तो बुला, 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 बुला। है विश्वास कि ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास कि ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान मैं जिनकी, अंग संग मेरे हर पल वो है, हूँ पहचान मैं जिनकी, वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास, हरि पिता अब मेरे पिता को ऐसा रूप दिखाओ, किस में कितना बल है उनको हो जाए मेरा ये विश्वास, है विश्वास के ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, 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 हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। किसे प्रणाम कर रहा है? कहाँ है तेरा भगवान? पिताश्री, अभी अभी
मैंने इस खंभे में श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। तो क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? हाँ पिताश्री, श्री हरि विष्णु यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ भी देखो सर्वत्र है। आप इस खंभे में देखना चाहें तो वे वहाँ भी दिखाई देंगे। यदि तेरा भगवान इस खंभे में छिपा हुआ है तो मैं उसे अभी इसी समय समाप्त करता हूँ। भगवान दोनों को यही समाप्त कर दूंगा। देखता हूं कि अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। Oh, my God.
जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार, अपनी लीला को समेट लीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आपने नरसिंह अवतार लेकर मेरे वरदान को यथार्थ कर दिया, अपने भक्त की रक्षा की। अब शांत होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। हाँ प्रभु, हिरण्यकश्यप की भयंकरता को समाप्त करने के लिए आपने उससे भी अधिक भयंकर रूप धारण किया, आपकी लीला सफल हुई प्रभु। हे भक्त वत्सल, भगवान श्री हरि विष्णु परिवर्तित होकर आकाश में पहुंचे और उसी ज्योति से शरब अवतरित हुआ, जिसका ऊपरी भाग पक्षी व नीचे का भाग मानव का था। इस रूप ने नरसिंह को आलिंगनबद्ध करके उनका क्रोध शांत किया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत तो हुआ, किंतु उन्हें मूल रूप में लाने की प्रक्रिया शेष थी। स्वयं नरसिंह भगवान ने प्रेरणा देकर स्थिति स्पष्ट करवाई कि जब प्रहलाद उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगा, जिसके कारण वे अवतरित हुए हैं, तभी वे अपना मूल रूप ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात स्थिति को सामान्य करने हेतु शिव अपने मूल रूप में वहां प्रकट हुए।